हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है डिम्पल निधि के किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी वाली खीर। तो रबड़ी खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल लिया। ये चावल खीर वाला होता है, मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा लिया, इसको मैंने पहले से देसी घी में भुना हुआ है, और हरी इलायची और 3 चम्मच बड़े शुगर लिया है। फुल क्रीम वाला मैंने दूध 4 पैकेट लिया है। तो चलिए सबसे पहले भगोना चढ़ाते हैं, और भगोने में डालते हैं 1/2 ग्लास पानी। पानी डालने से दूध नीचे लगता नहीं है। जब भी आप इस तरह खीर बनाइए तो पहले थोड़ा सा ज़रूर पानी डाला करिए, इससे आपका दूध नीचे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने दूध डाल दिया है सारा भगोने में। दूध को हमको खूब अच्छे से औटाना है, जब तक दूध गाढ़ा होकर कम ना हो जाए तब तक हम चलिए चावल को भिगो देते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा होता है, पोस्ते के दाने की तरह। आप मार्केट में मांगेंगे कि खीर वाला चावल चाहिए तो बहुत इजी और आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध मेरा बॉयल हो रहा है। तो जब तक दूध हमारा उबल रहा तब तक चावल हमने भिगो दिया था। चावल मेरा भीग गया है और बहुत मुलायम होता है, बहुत जल्दी भीग भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देसी घी में इसको खूब अच्छे से एकदम मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। और दूध को हम इधर, दूध हमारा खौल रहा है, इसको औटाना तब तक है जब तक कि एकदम गाढ़ा ना हो जाए दूध हमारा। तो एकदम खुद रबड़ी वाली खीर आपकी एकदम घर पे बहुत अच्छी टेस्ट से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा चावल यहाँ पर रेडी हो गया है। ड्राई फ्रूट हमने हल्का सा तोड़ लिया है छोटे छोटे, यहाँ पर आप किसी भी खल्लड़ या किसी भी चीज़ में कूट सकते हैं। तो दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए अब हम इसमें डाल देंगे चावल, और चावल डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे पकड़ लेता है, क्योंकि चावल नीचे बैठता है जाकर। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। बहुत अच्छी खीर बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए कितना गाढ़ा होता जा रहा है, अब ये गाढ़ा हो चुका है क्योंकि ये अभी जमेगा भी। तो हम इसमें अब डालेंगे ड्राई फ्रूट और 3 चम्मच शुगर, और जो हमने इलायची कुटी हुई रखी थी उस इलायची को हम डालेंगे, ड्राई फ्रूट और इलायची। इसको हम खूब डालकर मिक्स कर और थोड़ी देर बाद हम इसको डाल देंगे फ्रिज में, जिससे ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडी खीर ही अच्छी लगती है। और ठंडी खीर बनाइए जब भी, तो लोगों को खिलाइए और अपने खाइए, बहुत अच्छी लगती है। देखिए एकदम बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, और जब ये फ्रिज में जाएगी तो और जम जाएगी, तो बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। ज़रूर आप लोग एक बार बनाइएगा। तो देखिए ये अभी से इतनी गाढ़ी हो गई है, अब मैंने फ्रिज में थोड़ी देर रखा था और अब मैं निकाली हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी मेरी खीर बनी है, बहुत अच्छी थी।